हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद आवर टॉपिक मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स. फाइन, वी हैव डन विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट. फाइन, now how ovary gets mature in fruit, various cell divisions and differentiation take place inside the ovary. As a result of cell division and differentiation, fruit formation will takes place. Fine, or you can say that fruit is formed as a result of cell division and differentiation inside the ovary. Fine. Now what is pericarp? The tissue of ovary wall produces a fruit wall which is known as pericarp, and this pericarp may be fleshy or it may be dry. For example, in case of tomato and guava, जब आप इन्हें टच करके देखते हो तो आपको बहुत फ्लैशी सी दिखती है, ये है ना, फील होती है फ्लैशी. फाइन, बट पी एंड बीन्स दे आर वेरी ड्राई. आप टच करके ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा फ्रूट आपका फ्लैशी है और कौन सा फ्रूट आपका ड्राई है. फाइन, एंड दिस पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. फर्स्ट वन इज एपिकार्प, which is the outermost layer. Middle one is known as mesocarp, and innermost layer is known as endocarp. Fine. So pericarp consists of these three layers, and the function of pericarp or three layers is the protection of seed. Fine. अब ऐसा नहीं है कि फ्रूट के अंदर सिर्फ एक ही सीड प्रेजेंट होगी. आपने एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि आप किसी भी फ्रूट का एग्जांपल ले लीजिए, पपाया. पपाया के अंदर कितनी सारी सीड्स होती हैं, है ना. सो फ्रूट मे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द सीड्स, फॉर एग्जांपल ओरोबेंकी एंड फाइकस. फाइन, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन? क्यों हुआ है फ्रूट फॉर्मेशन? क्या ये यूजलेस प्रोसेस है? सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द प्रोटेक्शन. एज आई टोल्ड यू दैट दीज थ्री लेयर्स प्रोटेक्ट सीड, सो दिस इज प्रोटेक्शन. मीन्स डेवलपिंग फ्रूट्स प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक conditions. Fine. Next point is the dispersal, means fruits help the seeds in dispersal to the distant places. जब आप फ्रूट को खाते हो उसका सीड निकाल के आप गिरा देते हो कहीं पर भी, है ना, तो as a result आपकी सीड क्या हुई, आपकी सीड डिस्पर्स हो जाएगी, है ना. Then food to the animals, specially the fleshy food. Fleshy fruit provide food to the animals who acts as dispersing agent for the seeds. Fine. Fourth one is the nutrition to the germinating seeds. Some fruits provide nutrition to the germinating seeds as well as the developing seedlings. क्योंकि सीड आपकी ग्रो करेगी तो उसको नरिशमेंट चाहिए, सीड से सीडलिंग बनेंगे, तो जो फ्रूट होगा वही अपनी सीड को भी और अपने सीडलिंग्स को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. फाइन, लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंस टू ह्यूमंस. ऑब्वियसली फ्रूट्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, एंड फ्रूट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड, प्रोटीन, ऑयल, विटामिन्स, मिनरल्स एंड sugars. Fine, so this was about the importance of fruit formation. Now there are
two types of the fruit, that is true fruits and false fruits. As the name indicate, true fruits. अब हमें पता है कि फ्रूट हमेशा ओवरी से ही बनता है, फाइन. सो ट्रू फ्रूट वही होगा जिसमें कोई और फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ जिसमें ओवरी ही आपकी इन्वॉल्व होगी. मीन्स व्हेन फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी एंड अदर नॉन कार्पेलरी पार्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, इट इज़ नोन एज ट्रू फ्रूट. एग्जाम्पल मैंगो एंड टोमेटो. बट फॉल्स फ्रूट इज व्हेन अलोंग विद द ओवरी द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, देन इट इज द फॉल्स फ्रूट. फाइन. मीन्स इन ट्रू फ्रूट्स ओनली ओवरी विल बी इन्वॉल्व्ड, बट इन केस ऑफ फॉल्स फ्रूट थैलेमस अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड ओवरी ऑल विल बी देयर. एग्जाम्पल एप्पल कैश्यू नट एंड स्ट्रॉबेरी. फाइन. नाउ वन मोर टाइप ऑफ फ्रूट्स आर देयर, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. द फ्रूट्स विच डिवेलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरली फ्रूट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद. और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट रहता है आपका वो है सीड. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो सीड भी नहीं बनेगा, है ना. सो वी कैन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज विच डिवेलप विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दीज आर सीडलेस फ्रूट्स. फाइन. एंड वॉट इज पार्थिनोकार्पी? द प्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इज नोन एज पार्थिनोकार्पी. फाइन. नाउ वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्थिनोकार्पी? द मकैनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इज बिकमिंग वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज फर्स्टली सीड्स आर इरिटेंट ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ द फ्रूट्स. जब आप फ्रूट खाते हो तो सीड आपको इरिटेट करती हैं, जब भी आपके माउथ में आ जाए वो, है ना, तो हम उसे निकाल के फेंक देते हैं. फाइन. सेकेंड रीज़न है प्रेफर्ड बाय फूड इंडस्ट्रीज बिकॉज प्रोसेसिंग ऑफ फूड, यू नो फ्रूट सॉरी, बाय फूड इंडस्ट्रीज रिक्वायर द रिमूवल ऑफ द सीड्स एंड रिमूवल ऑफ सीड्स इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द इंडस्ट्रीज. देयरफॉर दीज सीडलेस फ्रूट्स आर प्रेफर्ड बाय फूड इंडस्ट्रीज. फाइन. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी यू कैन से वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी एंड स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी. एज द नेम इंडिकेट स्टिमुलेटिव मीन्स व्हेन स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड एंड दैट स्टिमुलस इज व्हाट पोलिनेशन बिकॉज पोलिनेशन से ही आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, फिर पोलन ट्यूब अराइज होगी, मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा और तभी आपका फ्रूट बनता है ना. सो इन केस ऑफ वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी द सीडलेस फ्रूट्स कैन डिवेलप इवन विदाउट द स्टिमुलस ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन के स्टिमुलस की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पियर. एंड वट इज स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी? In which the stimulus of pollination is required. Fine. And these are also seedless. चाहे pollination होगा लेकिन फिर भी ये seedless ही रहेंगे because it is parthenocarpy. Fine. Pollination के बाद भी fertilization नहीं होगा, seed नहीं बनेगा. Fine. Vegetative and stimulative parthenocarpy. Fine. These are two are very important. Now, a large number of fruit varieties, you know, have been altered genetically to undergo the parthenocarpic development. मतलब parthenocarpy को induce भी किया जा सकता है without the stimulus of pollination by giving them hormonal treatment. And the most commonly used hormones are auxins and gibberellin. Fine. For example, tomato produce seedless fruits if treated with auxin
and grape vine form seedless fruits if treated with gibberellin. Fine. So parthenocarpy can be induced. Fine. A large number of food varieties have been altered genetically to undergo into parthenocarpy. Fine. This was all about parthenocarpy and our today's topic.